दुर्गा पूजा आ चुका है और इस फेस्टिवल लुक को स्पेशल दिखाने के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन को आज शेयर करने की कोशिश की है। बहुत ही पसंद आने वाला है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। ये DIY तुम्हारा जो स्किन है उसका टेक्सचर ही बदल देगा दोस्तों। दोस्तों रेडीमेड जो फेस पैक मिलता है स्किन को ब्राइटनिंग, व्हाइटनिंग और ग्लोइंग बनाने के लिए, उससे ज़्यादा घर का DIY बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कोई भी अलग सा प्रिजर्वेटिव नहीं होता है और कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करो दोस्तों। पहले एक खाली बोल ले लो और थोड़ा सा एक चम्मच के बराबर चंदन पाउडर ले लो, मार्केट में अवेलेबल है, और अपने घर का चंदन को भी तुम डस्ट या उसका लिक्विड भी निकाल सकते हो। और उसके बाद एक चम्मच एलोवेरा जेल के साथ थोड़ा सा कुछ ही ड्रॉप्स रोज वाटर को उसमें मिक्स कर दो, और उसके बाद एक चम्मच हनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लो, और तुम्हारा तैयार हो गया ब्यूटीफुल DIY चंदन फेस पैक या मास्क। दोस्तों कोई भी फेस पैक या मास्क को यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना। उसके बाद इस फेस मास्क को मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये चंदन है इसलिए ये डार्क स्पॉट को रिमूव कर देगा, स्किन को एक ठंडा ठंडा इफेक्ट भी प्रोवाइड करेगा, और इसके साथ जो पिगमेंटेशन है उसे भी दूर भगा देगा। पिंपल अगर हो रहा है तो इस एक्टिव पिंपल प्रॉब्लम को भी ये दूर भगा देता है, और अच्छी तरह से ये स्किन को एक फेयरर लुक भी प्रोवाइड करता है। ये DIY ज़रूर ट्राई करना दोस्तों घर में, और फेस्टिव सीजन के लिए तो ऐसा एक DIY ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि इसके लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। और इसको 15 मिनट तक रख देना, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो डालना। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थोड़ा सा टिप्स देने वाली हूँ। पहला जो टिप्स है वो है कभी भी फेस पैक या मास्क को अप्लाई करने के बाद बात मत करना। दूसरा जो टिप्स है, फेस पैक को लगाने के बाद कभी भी गर्मी में मत रहना। और उसके बाद टिप्स नंबर 3 जो है, घिस घिस के फेस मास्क को उठाने की कोशिश मत करना। दोस्तों 15 मिनट्स हो चुका है, मैंने फेस को क्लीन कर लिया है। ये मेरा नेचुरल स्किन टोन है दोस्तों, देख सकते हो कितना फेयर ब्राइटनिंग इफेक्ट दिख रहा है। तुम्हें भी मिल सकता है ऐसा एक स्किन टोन, इसलिए चंदन फेस मास्क को ज़रूर अप्लाई करना, और मुझे कमेंट्स करके बताना कि तुम्हें कितना इफेक्ट हुआ इससे। तो मैं फिर से चलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों सब अच्छे रहना, चलती हूँ, बाय बाय।